सिरसा में हम आए और समाज सेवियों से भरा पड़ा है सिरसा। तो आज हमारे साथ एक ऐसी समाज सेवी है जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, महिलाओं के विकास के लिए काम किया और वो सरकार से भी हमेशा बिना मदद के काम करती है समाज में। तो हम बात कर रहे हैं सिरसा की एक बहुत ही जाने वाली हस्ती विमला सिंगर से। तो मैं नमस्कार, स्वागत करूँगा मैं आपका इस खास कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग सर, आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं आज कम से कम 6 साल से समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ। मैंने मेरे 2 बेटियाँ हैं, बड़े वाली प्रतिभा है, छोटे वाली साक्षी है, दोनों के नाम से मैंने एनजीओ चला रखा है। और मेरा जुनून और ऐसा इंटरेस्ट है कि जो फील्ड के अंदर जो महिलाएं बैठी हैं उनको अवेयरनेस के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर करने के लिए, हर महिला के पास डिग्री नहीं होती, पर डिग्री नहीं होने के कारण भी मैं उनको जाती हूँ कि छोटे छोटे रोजगार जैसे गांव में सिलाई सेंटर हो गया, ब्यूटिशन हो गया, कंप्यूटर का हो गया, पढ़ी लिखी लड़कियाँ उनके लिए मैंने छोटे छोटे रोजगार ऐसे बनाए। मैंने सरकार से कोई ऐसी सहायता नहीं ली है कि भी वो सरकार मेरे को दे और मैं क्योंकि मेरे लेवल पे और गाँव के अंदर जब जाती तो माननीय जैसे खट्टर साहब ने यही कहा था कि भी कोई इंडिपेंडेंट अपने ऊपर काम करता है तो मैं सरपंच से मिलती हूँ। सरपंच खूब बढ़ चढ़ के भागीदारी करते हैं क्योंकि हमारे हर गांव के अंदर है अवेयरनेस की कमी है, महिलाओं को आगे लाने की कमी है। जब एक महिला महिला के बारे में सोचती है तो वो महिलाएं आगे आगे निकलती हैं, हमारा ग्रुप बनता है, ग्रुप में हम ऐसे डिसाइड करते हैं भी हमें क्या करना चाहिए। महिलाएं अपनी इच्छा प्रकट, एक महिला को ही अपने दुख की बात, अपने आत्मनिर्भर की बात बता सकती हैं। तो वो महिलाएं बोलती हैं भी हमें हर गांव के अंदर एक च्वाइस नहीं चलती। कई गाँव में ऐसे होता है भी लड़कियाँ होती हैं, महिलाएँ होती हैं, अपना आत्मनिर्भर काम जैसे टेलरिंग का काम हो गया, कंप्यूटर का काम हो गया लड़कियों के लिए, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया। नशा मुक्ति पे बहुत ज़्यादा हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में नशा मुक्ति का तो इतना भयंकर प्रकोप चल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सरपंच महिलाएं हमारी हैं, मैं सबसे पहले कुमारिया गांव में चोपटा एरिया में स्कूंदला है, उसके हस्बैंड एक चिता के बहुत अति मैं बताऊँ आपको सोच नहीं सकती। मैंने मैडम सुनीता दुग्गल से भी मिलाया, 4 साल मैं प्रयास कर रही हूँ पर वो इतनी दुखी है, पर वो बोल रही है भी मैं मेरे बच्चों का कैरियर बनाना है। मैंने 4 महिलाओं को अपने ऐसे बना दिए हैं कि वो आज मेरे को देवता को नहीं पूछते, वो मेरे को ये बोलते हैं मैडम आपका बहुत सौभाग्य है। कैसे कैसे मैं जानना चाहूँगा समाज सेवा में कैसे आना होता है, साधारण से परिवार से चूरू से अकेले वाले हैं, सिरसा में अगर आप शादी करके आए हैं तो कैसे समाज सेवा में आना हुआ वो मैं जानना चाहूँगा। मैं एक्चुअली 2006 में गुजरात में रही थी, मैं मोदी जी के रूल और मोदी जी की जो गतिविधियाँ हैं उनसे मैं प्रभावित हुई। गुजरात से मैं 2011 में यहाँ मैं सिरसा में आई, सिरसा में आके मैंने 12 महीने महाराजा अग्रसेन स्कूल में जॉब की, वहाँ मेरे को जो माहौल लगा वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने धीरे धीरे गांव के बच्चों को लड़कियों को देखा तो उनको अवेयरनेस की तो मेरे अंदर जुनून आया कि भी हम अगर अकेली महिला, मैं राजस्थान से हूँ, एक बालिका वधु का प्रोटोकॉल था वो तोड़ के एक मैं MBBS लड़की हूँ और मैं एक मेरे माँ बाप के इकलौती बेटी हूँ और 2 मेरे बेटे हैं। तो मैंने ऐसे सोचा कि समाज को सुधारने के लिए हमें आगे कदम बढ़ाना होगा। दहेज प्रथा भी हमारे बहुत ज़्यादा है, वो भी धीरे धीरे कम हुई है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति का ये धीरे धीरे मैंने गांव में जाके, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था, मैं बस में जाके पैदल जाके लोगों को, अभी तक हमारे मेरे 150 गांव में हर सरपंच हर महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई है। कोई भी गांव में जाऊँ और मेरे निस्वार्थ भावना से कोई ऐसा काम नहीं किया अभी मेरे को किसी चीज़ का लालच है, पर मेरे एक जुनून है कि मैं महिलाओं को आगे लेके आऊं और पूरी टीम मेरी महिला मेरे साथ हो। और मोदी जी के लिए तो मैं तन मन धन से शाम काम दंड भेद नीति से मैं तत्पर हूँ और मैं गुजरात से रह गई हूँ तो मैं उसके लिए दिल से वो कहती हूँ कि मेरे को किसी चीज़ का लालच नहीं है, किसी के स्वार्थ नहीं। आपकी बातों से भी लगता है, आपके अंदर जो जोश, आपकी वाणी में जो ऊर्जा है उससे भी लगता है कि कितनी आपको पॉजिटिव एनर्जी समाज सेवा से मिल रही है। आप ऐसे ही लगे रहेंगे समाज के लिए भलाई करते रहेंगे, हम भी दुआ करेंगे कि आपका जो फाउंडेशन है, आपकी जो संस्था है वो समाज का सरकार से भी आपको मदद मिले ताकि आप समाज सेवा को बढ़ चढ़ के कर सको। तो चाहूँगा मैं आपसे हमारे दर्शकों को क्या आप संदेश देना चाहिए। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि महिला अकेली नहीं कर सकती, महिलाओं के साथ अगर पुरुष बराबर हिस्सेदार हो तो अगर सरकार मेरे को अगर डोनेशन देती है कुछ देती है तो मैं निस्वार्थ भावना से उन महिलाओं तक जो ग्रांट मिलेगी वो वहाँ पूर्ति कराऊंगी। और
महिलाओं के लिए और मेरे बेटी के नाम एनजीओ है प्रतिभा के नाम से और पीएमकेवाई की जो मेरे को टिप्पी मिली है वो भी मैंने प्रयास किया था। तो आने वाले टाइम में मैं ये चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ बाहर गांवों में बैठी हैं उनके पेरेंट्स भेज नहीं सकते उनको सिटी में, तो मैं ये चाहती हूँ कि हर ब्लॉक वाइज सिरसा के अंदर 5 ब्लॉक हैं उनमें कंप्यूटर सेंटर होना चाहिए, अच्छी एजुकेशन के लिए कॉलेज होना चाहिए और अच्छी संस्थाएं हो ताकि सरकार मेरी मदद करे तो मैं 100% सरकार को उसका रिजल्ट 101% दे सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, वेलकम, और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे को इस लायक समझा और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब आप मेरे साथ जुड़े रहना, मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी। मेरी तरफ से अगर कोई सोशल एक्टिविटी में कोई इतनी गतिविधियाँ चल रही हैं भी आपको कहीं भी कौन सा भी गांव यहाँ बैठे चूज कर लेना, मैं आपको 24 घंटे के लिए मैं महिलाओं के लिए तत्पर तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये थी विमला जी जो कहते हैं कि समाज सेवा ही उनका जीवन बनाने और एक अलग सी खुशी उनको मिलती है और अच्छा ही लगता है, परिवार भी उनका सपोर्ट करता है। इस चीज़ की वो बड़ी तारीफ करते हैं कि परिवार के सपोर्ट के बिना वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि समाज सेवा तो घर से ही शुरू होती है। अपना उन्होंने अपना जॉब छोड़ा, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, परिवार को भी वो बहुत कम टाइम देते हैं, लेकिन समाज के लिए वो अलग जगह निकले हैं समाज के लिए, शायद समाज के लिए ही वो बने थे, अब जाके उनको इस चीज़ का आभास हो। जो पूरा जीवन उछावर करने वाले समाज के लिए मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं, अगर मोदी जी कभी ये इंटरव्यू उनका देख रहे हो तो कहना चाहेंगे कि मोदी जी आपके बहुत बड़ी फैन हैं विमला जी, हो सके तो आप उनके एनजीओ में सपोर्ट करें, उनसे कभी मिले तो वो बहुत खुश होंगे क्योंकि वो समाज के लिए लगे। तो बने रहे।